अपना आपको बताता हूँ, इट्स बीन 7.5 years. In fact, I'm just completing my 8th year. मैं 8वां साल अपना कंप्लीट कर लूंगा. एंड 8 में से तकरीबन 7.5 साल से मैं हाईएस्ट अर्नर पे हूँ. साढ़े छः साल से मैं 1 लाख एंड अबव पे हूँ. When I started my journey, मैंने सेकेंड ईयर कम्प्लीट किया था. मुझे नहीं पता था क्या होता है चीज़ें, जैसे आपको भी नहीं पता होगा जब कोई इंसान स्टार्ट करता है. इंसान पैसे डालते हुए भी डरता है, मैं बहुत डर रहा था. बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, समझ नहीं आता कि क्या करूँ, शुड आई पुट इन मनी और नॉट. बट समहाउ आई मैनेज्ड इट एंड स्टार्ट किया. शुरू किया, शुरू करते ही 1.5 महीने में मैं सिल्वर बन गया. डायमंड जाइए, नहीं तो आपको हर स्टेज बनानी पड़ जाएगी. 1.5 महीने में सिल्वर बन गया और 3 महीने में मैं गोल्ड बन गया, 6 महीने में मैं डायमंड बन गया. डेट ऑफ ज्वाइनिंग 6 महीने में. तो मैंने शायद डिफिकल्टीज फेस करी, राइट? बड़े सारे मिस्ट्री क्वेश्चन हैं तो मैं आज आंसर दूंगा. तो मिस्ट्री सक्सेस, इनफैक्ट मुझे कभी, मेरे को नहीं लगता कि मैंने कभी इतनी डिफिकल्टीज फेस करी थ्रू आउट माई करियर. इन विद 7.5 इज लॉन्ग जर्नी. 7.5 साल बहुत ज़्यादा हो गए, इनफैक्ट 7.5 साल हो गए. एक आजकल हमारे इंडिया में ट्रेंड है कि अगर एक इंसान किसी कंपनी में भी जॉब करता है तो 1-2 साल में स्विच मार लेता है, राइट? आप कंप्लीट माई 8 है तो मेरे को बड़ा प्राउड होता है कि मैंने 8 साल कर लिया, दैट टू एट अ वेरी गुड लेवल. हमेशा मैंने एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर रखा और मैंने उसको काफ़ी जितना किया, पैसा मैंने बहुत कमाया. इतना मैंने बता दिया, अगर मैंने 6.5 साल से 1 लाख पे हूँ तो आप खुद ही मना लेंगे कितना. आप वैसे कैलकुलेशन भी ज़्यादा है कि इसने कमाया कितने होंगे, सबको कैलकुलेशन वैसे रहेंगे. अपने बारे में थोड़ा बताता हूँ मैं. मुझे ये मोटिवेट करना नहीं आता लोगों को. आप बोले स्टेज पे आइए, मोटिवेट करें, लोग कह रहे हैं कि मेरे को फोन करते हैं, काम कैसे करते हैं. शायद मुझे नहीं पता कि मोटिवेट कैसे करते हैं. मेरे को चीखना नहीं आता, ये वो नहीं, मेरे से शायद नहीं होता, राइट? आप बड़ा वो करते हैं तो रियली मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, बट मे बी शायद मुझे लगता है कि मेरे से होगा नहीं. बट मैं अपने स्ट्रेंथ, हर इंसान को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होनी चाहिए. ज़बरदस्ती मैं किसी को कॉपी नहीं करना चाहता. मुझे पता है मैं किस में क्या अच्छा हूँ और मैं किससे कुछ कर सकता हूँ, मैं उसमें ही करूँगा. ऐसा नहीं कि मेरे को इसने कहा कि ये करने पे होता है तो मेरे को वो करना है. हर इंसान के अंदर भगवान ने कुछ खूबियाँ दी हैं, कुछ वीकनेस भी दी है. बट आपके ऊपर सौंप दिया है कि आपको पहचाननी है कि आपके अंदर क्या खूबियाँ हैं. भगवान नहीं आएंगे बताने के लिए कि आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है. मैं अपने बारे में बताऊँ तो आई एम अ ड्रीमर, आई एम अ थिंकर. मैं सोचता बहुत ज़्यादा हूँ, मैं सपने बहुत बड़े बड़े लेता हूँ और मुझे यही आता है. आई एम अ ड्रीमर, आई एम अ थिंकर. और फिर मैं सोचता हूँ उसको कंप्लीट कैसे करूँ. क्या मुझे ही काम करना पड़ेगा? मैं जब मैंने काम करना शुरू किया था, सो आई एम अ क्विक लर्नर. मैंने काम किया, मैंने खूब काम किया पहले. मैंने कहा मैं इधर जाता हूँ, उधर जाता हूँ तो फिर साइकिल हो जाती है, ऑर्बिट कंप्लीट होता है. देखिए हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है, मैं आपको थोड़ी सी अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताता हूँ. Even if you are a cycle achiever, that means you have a team size of 9 people. 9 लोग हैं आपकी टीम में. आपको लगता है मैं एक cycle achiever ही हूँ. आपके सिल्वर को भी लगता है एक cycle achiever ही है, right? But आपको शायद आपकी strength नहीं पता, जो हम meeting में बोलते हैं, but शायद हम realize नहीं करते. हम ऐसा बोलते हैं कि आपकी 9 sales complete हो चुकी है, यानी कि आपकी cycle complete हो रही है, यानी कि आपकी team बन चुकी है. एक अच्छी से अच्छी company में अगर 9 employees होते हैं, अगर एक कंपनी में भी 9 employees होते हैं, तो वो कंपनी अपना रेवेन्यू 3 से 4 या 10 लाख रुपए दिखा सकती है, 10 लाख रुपए बनाते हैं. बट हम 9 लोग मिलके भी कई बार, क्योंकि हम रियलाइज नहीं करते कि हमारे पास 9 लोग हैं, हम एक साइकिल भी शायद कभी कभी अचीव नहीं कर पाते. इवन अ साइकिल अचीवर जो हमारे साथ है, वो कई बार चेक नहीं देख पाता वीकली. सही कह रहा हूं मैं? ऐसा होता है. इवन इफ यू आर अ साइकिल अचीवर, फॉरगेट अ साइकिल अचीवर, इवन इफ यू आर सिल्वर, हमको ऐसा लगता है कि यार शायद अगले हफ्ते चेक बनेगा नहीं बनेगा. आप अपने आप पे नहीं, आप अपनी पूरी टीम पे डाउट करते हैं. आपकी पूरी टीम पे डाउट करते हैं. यू हैव अ टीम ऑफ 50 पीपल, इनफैक्ट मोर देन दैट, 50 लोगों से ज्यादा की आपकी टीम है. अगर एक कंपनी में 50 लोग काम कर रहे होंगे तो उनका आउटपुट 10 या 50 लाख भी होगा, बट हम 10 लोग मिलकर एक साइकिल भी अचीव नहीं कर पाते. 50 लोग मिलकर, यानी कि 1-3 हज़ार का चेक नहीं बना पाते. तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है. या तो हम अपनी टीम को अंडर एस्टिमेट करते हैं या अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं. आई नेवर बिलीव इन वर्किंग. मैं नहीं सोचता. मैं पहले जैसे आपको बताया, मैं ड्रीमर, आई एम अ थिंकर. मैं सोचता मुझे ये करना है और मुझे कैसे करना है मैं उसके ऊपर वर्क करता हूँ. ये नहीं कि अच्छा मुझे ये करना है तो चल भैया शुरू हो जा, मैं चलता हूँ, मैं काम करता हूँ.
I'm like, rather than doing work myself, I make people work. मैं चाहता हूँ networking का मतलब क्या है? I have a good team size. मैं पहले क्या करता था, मैं बहुत meeting लेता था, meeting से meeting, meeting से meeting, meeting से meeting. But I realized कि ठीक है, काम बहुत अच्छा चल रहा है. But if I want to become big, अगर मैं बहुत आगे जाना चाहता हूँ, so I need to have leaders at each and every step, and they should deliver their best. हर इंसान उसको अपना best भी देना पड़ेगा. मेरे साथ बहुत अच्छी चीजें होती थी. Whenever I used to take meetings, मेरे को अच्छा रिजल्ट मिलते थे, and plus मेरे को अच्छे अच्छे लीडर्स मिले. टाइम टू टाइम मेरे को अच्छे लीडर्स मिले जिन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली.